जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ। सनातन धर्म मंदिर में एसडीएम जयवीर यादव ने हवन यज्ञ करवाकर कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सभी ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। 21 से 25 दिसंबर तक जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में गीता पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन का निर्णय लिया गया है और कोई बड़ा समारोह नहीं किया गया। प्रदेश सरकार की तरफ से 17 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, और जिला स्तरीय जो प्रोग्राम है वो 31 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। जैसे आज आपने देखा कि जो आज जो शुभारंभ हुआ है वो हवन के द्वारा हुआ है, और विभिन्न प्रतियोगिता हमारे स्कूल में वेबिनार और निबंध प्रतियोगिता, ये सारी प्रतियोगिता 25 तक करवाई जाएंगी, और घर घर संदेश इंटरनेट के माध्यम से और हमारे लिंक्स हैं उनके माध्यम से भिजवाए जाएंगे। तो कोरोना के बीच में योग दिवस आया, तो किस तरह सावधानी? हाँ, कोविड के देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पिछले साल जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो मल्टीपर्पज हॉल है वहाँ पर काफ़ी धूमधाम से हमने गीता महोत्सव मनाया था, लेकिन अब कोविड के गाइडलाइंस को देखते हुए इस बार ऑनलाइन बच्चों के निबंध प्रतियोगिताएँ और क्विज प्रतियोगिताएँ ये